तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास है 2024 की लेटेस्ट मॉडल जावा की 42 सबसे लेटेस्ट वेरिएंट। तो यहाँ पे देखेंगे, तो आज हमारे पास इसका कॉपर कलर। तो इसमें आप देखेंगे तो पूरी बाइक जो है कॉपर कलर मिलती है, जो कि मैट फिनिश के साथ आती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो गाइस आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि जावा 42 के 2024 मॉडल में कॉपर वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ इस कलर की जो प्राइस है आपको कितना देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम आपको इसके एक्सोन प्राइस के साथ इसकी ऑन रोड प्राइस बताने वाले हैं। तो गाइस अगर आप लोग 2024 में जावा 42 का लेटेस्ट मॉडल लेने वाले हैं या फिर लेने का प्लान करें, तो लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजी और आप देख रहे हैं बीइंग टेक। दोस्तों वीडियो चले गए, मैं तो चले गए, तो प्लीज अपनी तरफ से लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के कलर ऑप्शन के बारे में, तो इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन ये जो कलर है ये है कॉपर डीटी कलर। तो ये जो कॉपर डीटी कलर है ये स्पेशली मुझे काफी प्यारी लग रही है, क्योंकि पहले तो कॉपर कलर में, दूसरी बात मैट फिनिश में। अगर ये ग्लॉस फिनिश के साथ आते ना, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती जितना कि ये लग रही है। तो अब आप लोग बताना कि इस कलर के साथ जावा 42 के नए मॉडल का जो लुक है आप लोग कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि पुराने मॉडल से इस बाइक की जो कीमत है ना 2000 रुपए कम रखी गई है जावा की तरफ से। तो अब इसकी जो एक्सोन प्राइस है वो है 1,98,000 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस, और जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आपको पड़ेगा 2,35,000 टू 2,37,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिलने वाली है यूपी वाराणसी में। तो गाइस ये तो होगा इसके प्राइस की बात, इसके ऑन रोड प्राइस की बात। अब थोड़ी सी बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो हेडलैम्प मिलता है आप देख पा रहे होंगे 60/55 वाट का हाइलोजन बल्ब मिल जाता है, जो कि आपको हाइलोजन बल्ब मिलती है। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है, और इस साइड में आप देखेंगे तो इसमें आपको ब्लैक और कॉपर कलर में इसका जो फ्रंट हुड मिलता है ना हेडलैम्प के ऊपर का, वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लग रही है देखने में। तो हेडलैम्प जो है ना वही पहले वाला रखा गया, लेकिन हाँ अगर टर्न इंडिकेटर पे नोटिस करेंगे तो पहले जो है ना क्लियर ग्लास नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको व्हाइट ग्लास मिल जाता है, लेकिन वही बल्ब वाला टर्न इंडिकेटर मिलता है, लेकिन इसमें अभी भी आपको हजार लाइट देखने को मिलती है जैसे कि पुराने मॉडल मिलती थी। तो गाइज इस कलर के साथ इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है आप लोग कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट सेक्शन से, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके सस्पेंशन से। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा ना वही सेम आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जिसमें 35mm का ट्रैवल देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर फाइबर का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, तो फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलती है जो उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको मिलेगा फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्क ब्रेक सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको मिलेगा 280mm का। डिस्क ब्रेक के बीच में देखिए एबीएस की चैन लगाई है, क्योंकि इसमें आपको डुअल चैन एबीएस मिलता है, तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में एबीएस की चैन देखने को मिल रही है। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा नॉक मिलता है 90/90 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ट्यूबलेस टायर की आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है। अलावेल आपको वही पहले वाला मिलता है, यहाँ पे आपको क्लासिक लेजेंडरी का आपको बैचिंग भी देखने को मिल जाती है अलावेल पे, जो कि आपको पहले भी मिलती थी। तो जो फ्रंट टायर है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना वही पहले वाला रखा गया, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो राइट साइड से इस बाइक का जो प्रोफाइल था ना वो मैंने दिखा दिया, अब बताते हैं लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड प्रोफाइल जो है ना कुछ इस टाइप मिल जाता है, यहाँ पे देखिए नया फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। हैंडल बार पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले जो साइड में मिलता था ना हैंडल बार मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जैसे कि सिंपल बाइकों में मिलती है। तो आप लोग बताना ये वाला हैंडल बार अच्छा लग रहा है साइड मिरर के साथ, या फिर पहले वाला साइड मिरर अच्छा लगता है जो कि हैंडल बार मिलती थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्विचेस क्वालिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लोगिंग हाइविंग पासिंग स्विच साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच, यहाँ पे आपको 4 स्विच मिलते हैं जिससे मीटर कंसोल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, फीचर्स को सेट कर सकते हैं। राइट हैंडल बार पे आपको इंजन कंसोल स्विच हैजार्ड लाइट, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। और मीटर कंसोल पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे मीटर कंसोल जो है वही सेम रखा गया है, जो कि आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको स्पीड ओडोमीटर टेकोमीटर ट्रिपी देखने को मिल जाएगा, क्लॉक देखने को मिल जाती है, वही सेम आपको सारे फीचर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे तो बाकी बाइकों में सेंटर में मीटर कंसोल मिलता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा राइट साइड में मिलता है, तो इसका जो है ना ये प्लेस करने की वजह से इसके आपको जो सामने देखने को जाते हैं साइड से आप लोग देख सकते हैं इसे, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। अब आप लोग बताना कि इसका जो मीटर कंसोल है ना जो सेट किया गया ना राइट साइड में थोड़ा सा, ये आप लोग कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैंडलिंग जो है वही सेम रखी गई है। फ्यूल टैंक पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक जो मिलता है ना कॉपर में मिल जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे सिल्वर कलर की ग्राफिक के साथ 42 की बैचिंग मिल जाती है। क्रोम में आपको फ्यूल टैंक का कैप मिलता है, और साइड में आप देखेंगे व्हाइट कलर में आपको स्टिकर मिल जाता है जावा का। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का जो डिजाइन है ना वो चेंज हो चुका है, जैसे कि थाईपैड वाला डिजाइन मिल जाता है, लेकिन हाँ थाईपैड नहीं मिलता है इसमें, लेकिन एक स्टिकर मिल जाता है। लेकिन इसमें जो ग्रिपिंग मिलेगी ना थाई पे राइड करते समय फ्यूल टैंक पे, वो आपको काफी बेहतरीन देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो आपको बता दें फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलती है आपको वही सेम आपको 12.5 लीटर की देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके इंजन के ऊपर, गाइस आपको बता दें कि 2024 चल रहा है और इसका जो इंजन है 2023 में ही अपडेट हो चुका था, तो अब इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो आपको मिलता है 294.72 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल BS6 Phase 2 इंजन देखने को मिल जाएगा। जो मैक्स पावर मिलती है 27.32 PS का, मैक्स टॉर्क जो मिलेगा 26.84 Nm का। इसमें आपको इलेक्ट्रिक
फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसमें 76 mm का बोर मिल जाता है, 65 mm का स्टॉक देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, एग्जॉस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। साइड में देख लेते हैं, जावा 42 का नया ग्राफिक्स मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में, सिल्वर एंड ब्लैक कलर में। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो सीट है ना, वो पहले वाले डिजाइन के साथ आते हैं। लेकिन हाँ, इसकी जो कुशनिंग है ना, पहले से थोड़ा सा बेहतरीन हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए, पहले इसमें आपको पिलियन ग्रैबिल नहीं मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको पिलियन ग्रैबिल लगाया गया, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये जो पिलियन ग्रैबिल वाला जो चीज दे दिया गया ना, पाइप वाला, वो मुझे काफी अच्छा लगा पिलियन राइडर के लिए। साइड में देखते हैं, यहाँ पे आपको ग्रैबिल मिल जाता है, जिससे आप लोग बाइक को पकड़ के इधर कर सकते हैं। चैन जो मिलेगा आपको हाफ कवर लो मेंटेनेंस बोरिंग वाली चैन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सारी गार्ड देखने को मिल रही है। और अब बात करते हैं इसका रियर टेल लाइट से, तो गाइज यहाँ पे देखेंगे जो रियर टेल लाइट है ना, आप लोग देख सकते हो वही पहले वाला रखा गया। लेकिन हाँ, इसका जो रियर टेल लाइट है, थोड़ा सा पहले से इसका डिजाइन चेंज हुआ है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का ग्राफिक्स मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर वही पहले वाला मिलता है, जो कि बल्ब मिलती है। और अगर हम आते हैं इसके रियर सेक्शन से, यानी कि इसके सस्पेंशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इस बाइक का जो रियर सस्पेंशन मिलता है, वो मिलता है ट्विन शॉक एग्जॉस्ट गैस फिल्ड विद एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं, रियर जो ब्रेक मिलेगा, वो भी आपको फ्लोटिंग करके का डिस्क सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी साइज है 240 mm का। इसमें भी आपको एबीएस की चैन लगाई, क्योंकि डुअल चैन एबीएस के साथ आती है। रियर जो टायर मिलेगा, वो मिलता है 120/80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलावेल के साथ। दोनों साइड में आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, क्योंकि ट्विन एग्जॉस्ट के साथ आती है। तो गाइस, ये थे इस बाइक के फीचर्सफिकेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक का जो कर्व वेट है, वो मिलता है 182 kg की। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, जो कि 12.5 लीटर की। व्हील बेस जो मिलेगा, वो मिलता है 1369 mm का। सीट हाइट जो मिलेगा, वो मिलता है 788 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाती है। तो गाइस, ये थे इस बाइक के फीचर्सफिकेशन, इसके डायमेंशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप लोग बताना कि जो जावा 42 का 2024 मॉडल जो कॉपर कलर में है, ये आप लोग कैसी लग रही है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी है, कलर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो अपनी तरफ से लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेलमेट के यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।